मूवी का स्टार्ट 1760 से होता है, जहां तीन मेंबर्स फादर जोशुआ, मदर नाओमी और उनके बेटे बार्नबास की फैमिली, जिसे उनके सरनेम कॉलिन से जाना जाता है, वो लिवरपूल को छोड़कर सी पर सफर करते मीन के वीरान इलाके में जाते हैं और वहां वो अपना फिशिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कुछ सालों में ही वो बिजनेस फ्लरिश करने लगता है तो मेन भी टाउन में बदल जाता है, जिसका नाम कॉलिन की वजह से कॉलिन फूड रखा जाता है। और टाउन में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कॉलिन एक मैंशन बनवाते हैं, जिसमें 15 साल लग जाते हैं। मैंशन के बनने तक बार्नबास बड़ा हुआ टीनेजर बन गया होता है और प्लेबॉय होने की वजह से उसका मैंशन की सर्वेंट एंजेलिक के साथ अफेयर चल रहा होता है, लेकिन एंजेलिक उसे सीरियस समझकर प्रपोज करने का कहती है। बार्नबास के इनकार पर उसे गुस्सा आता है और वो अपने घर जाने पर असल विच होते हुए बार्नबास के पेरेंट्स पर ब्लैक मैजिक करके उन्हें मार देती है, जो कि एक्सीडेंट लगता है, मगर बार्नबास को एंजेलिक पर शक होता है। एंजेलिक बार्नबास को कर्ज करती है कि वो जिसे भी लव करेगा वो मर जाएगा, इसीलिए उसके मैजिक के असर में बार्नबास की असल लवर और फियांसे जॉसेट को सुसाइड के लिए क्लिफ के पास ले जाती है और वहाँ से जंप करवाती है, जिसे देख कर बार्नबास उसके पीछे जंप करता है, लेकिन उसे एंजेलिक पकड़ लेती है। वो उसे कभी मरने नहीं देना चाहती होती, इसीलिए वो उसे मैजिक से इमॉर्टल बनाती, वैम्पायर बना देती है। फिर वो विलेज वालों को जमा करके उसे डेविल बताती, कॉफिन में बंद करवा देती है और उस कॉफिन को चेन्स लगाकर बरी कर दिया जाता है। 1972 में मैगी नामी लड़की, जो कि चौसेट जैसी दिखती है, उसे ट्रेन से ट्रेवल करके कॉलिन्सवुड आते दिखाया जाता है, जिधर वो कॉलिन्स के मैंशन आती है और उन्हें अपना नाम विक्टोरिया बताकर कहती है कि वो डेविड की गवर्नेंस की जॉब के लिए आई है। डिनर पर विक्टोरिया कॉलिन्स के घर में रहती उनकी रिलेटिव एलिजाबेथ, उनकी टीनेजर बेटी कैरोलिन, एलिजाबेथ का भाई रॉजर, रॉजर के बेटे डेविड से मिलती है। साथ ही उसे पता चलता है कि डेविड की मदर ने रिवर में जंप कर सुसाइड कर ली थी, लेकिन डेविड अभी भी उसका स्पिरिट देखने का दावा करता है, इसीलिए साइकियाट्रिस्ट जूलिया उनके इलाज के लिए उनके साथ रहती है। उन सबके साथ डिनर करके विक्टोरिया अपने रूम में जाती है तो उसे जॉसेट का स्पिरिट दिखता है, जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है और चली जाती है। लेकिन हम नोट करते हैं कि विक्टोरिया स्पिरिट को देखकर बिल्कुल शॉक नहीं होती, बल्कि ऐसे देखती रहती है जैसे यूजुअल हो। दूसरी तरफ टाउन में कंस्ट्रक्शन चल रही होती है कि वर्कर्स को जमीन में कॉफिन मिलता है, जिसे वो खोलते हैं तो उसमें से बार्नबास निकलता है और वो सब वर्कर्स का खून पी लेता है। वो उस एरिया से निकलकर मैंशन की तरफ जाता है तो उसे मैंशन का सर्वेंट बिली मिलता है, जिसे वो हिप्नोटाइज करके जानता है कि कॉलिन्स के रिलेटिव्स अभी भी जिंदा है। वो ये जानकर मैंशन की तरफ बढ़ता अंदर जाता है तो उसे कैरोलिन और डेविड दिखते हैं, जो उसे बताता है कि उसकी 200 साल पुरानी पिक्चर लगी हुई है। वहीं पर एलिजाबेथ आती है तो उसके पूछने पर बार्नबास उसे अपनी सारी स्टोरी सुना देता है, साथ ही अपने वैम्पायर होने का बता देता है, जिस पर एलिजाबेथ को उस पर यकीन नहीं होता, इसीलिए बार्नबास उसे यकीन दिलाने के लिए सीक्रेट पैसेज से लेकर एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ कॉलिन फैमिली का ट्रेजर पड़ा होता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ मान जाती है कि वो वाकई कॉलिन्स फैमिली है और उसे घर में सबके साथ रहने की इजाजत दे देती है। वो लंच पर उसे सबसे मिलाती है तो वो विक्टोरिया से भी मिलता है, जिसे देखकर वो उसे जॉसेट समझता है, मगर विक्टोरिया उसे नहीं जानती होती। लंच की टेबल पर ही बार्नबास एलिजाबेथ से फिशिंग बिजनेस का पूछता है तो उसे पता चलता है कि एंजेलिक ने उनका बिजनेस खराब कर खुद फिशिंग का बिजनेस चला रही है। उधर एंजेलिक को बार्नबास के निकलने का पता चलता है तो वो मैंशन आती है और बार्नबास के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बार्नबास उन पर गुस्से में अटैक करने लगता है कि एंजेलिक सारे कर्टन हटाकर सनलाइट अंदर ले आती है, जिससे बार्नबास चलने लग जाता है और एंजेलिक उसे छोड़कर चली जाती है। बार्नबास अपना बदला न ले सकने पर सैड होता है कि एलिजाबेथ उसके पास आकर उसे तसल्ली देते हुए समझाती है कि वो अपने ट्रेजर से दोबारा बिजनेस स्टार्ट करे। बार्नबास उसकी बात मानकर बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस बढ़ने लग जाता है और उनकी कंडीशन बेहतर होने लग जाती है। साथ ही बार्नबास की विक्टोरिया से बॉन्डिंग होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाती है। मैंशन में ही जूलिया बार्नबास को तसल्ली देती है कि वो उसका ब्लड लेकर उस पर टेस्ट करके कोई रास्ता ढूंढेगी, जिससे बार्नबास वापस ह्यूमन बन जाए, और वो उसके जाने पर उसका निकाला ब्लड खुद में इंजेक्ट कर दी जाती है ताकि वो हमेशा जवान रह सके। उधर एंजेलिक बार्नबास से
मीटिंग अरेंज करती है और जब वो उसे मिलने आता है तो उसे पैसे ऑफर करती है, साथ ही डील देती है कि अगर वो सब छोड़कर उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर देगा तो वो खुश रहेंगे। जिस पर बार्नबास इनकार करता है तो एंजेलिक गुस्सा करती है, जिसे इग्नोर करता बार्नबास वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि बार्नबास अपनी कंपनी की सक्सेस पार्टी रखता है तो सारा टाउन आता है और पार्टी में ही बार्नबास विक्टोरिया के पीछे बालकनी में जाता है, जहाँ विक्टोरिया उसे बताती है कि वो बचपन में एक स्पिरिट को देखा करती थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम में डाल दिया था। वहाँ पर भी विक्टोरिया उस स्पिरिट को देखती है। जब वो बड़ी हुई तो वो असाइलम से भाग गई, लेकिन उसे सर्वाइवल के लिए जॉब चाहिए थी और उसी स्पिरिट ने एड की तरफ इशारा करके कॉलिंसवुड जाने का कहा था। विक्टोरिया और बार्नबास उधर इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हैं तो पार्टी में आई एंजेलिक उन्हें देख लेती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पार्टी की अगली सुबह बार्नबास को जूलिया के ब्लड यूज करने का पता चलता है तो वो उसे बाइट करके रिवर में फेंक देता है। फिर वो रॉजर के पास जाता है जहाँ वो ट्रेयर का रास्ता ढूंढ रहा होता है और उसे बार्नबास कहता है कि या तो वो डेविड के लिए अच्छा फादर बने या फिर पैसे लेकर वहाँ से चला जाए, और रॉजर दूसरी ऑप्शन चूज करता हुआ वहाँ से चला जाता है। डेविड हार्ट ब्रोकन उसे जाता देख रहा होता है कि उस पर डिस्को बॉल गिरने लगता है, जिससे बार्नबास उसे बचा लेता है, मगर वो सनलाइट में आने की वजह से जलने लग जाता है, जिस पर सबको उसके वैम्पायर होने का पता चल जाता है और सब उससे डर कर पीछे होने लग जाते हैं। बार्नबास उन्हें डरता देखकर एंजेलिक के पास आता है ताकि वो उसे वापस ह्यूमन बना दे, लेकिन एंजेलिक उसे वर्कर्स का मर्डर याद दिलाकर ब्लैकमेल करती अपने साथ मिलने का कहती है, जिस पर बार्नबास इनकार करता है तो वो उसे कॉफिन में डाल देती है और उसे दोबारा बरी कर देती है। इसके बाद एंजेलिक अपने मैजिक से कॉलिंस के बिजनेस को आग लगा देती है। फिर वो पुलिस को जाकर बताती है कि कॉलिंस ने अपने घर मर्डर को रखा हुआ था और पूरे टाउन को उनके खिलाफ करके उनके घर ले जाती है। उधर डेविड बार्नबास को कॉफिन से निकाल लेता है तो बार्नबास एंजेलिक के पास आता है और सबके सामने अपने क्राइम्स कन्फेस करता है, लेकिन वो एंजेलिक की सच्चाई दिखाने के लिए उसे बाइट करता है कि अगर वो ह्यूमन हुई तो वैम्पायर बन जाएगी, मगर ऐसा जब नहीं होता तो सबको पता चल जाता है कि वो विच है। बार्नबास और असल रूप में आई एंजेलिक की फाइट होती है, जिसमें एंजेलिक अपने मैजिक की वजह से हावी पड़ रही होती है कि कैरोलिन वुल्फ बनकर उस पर अटैक करती है, जिस पर सब हैरान होते हैं और एंजेलिक कैरोलिन को दूर फेंकती है। साथ ही पूछने पर बताती है कि कॉलिन फैमिली की हेटर में उसने कैरोलिन को चाइल्डहुड में वुल्फ से बाइट करवा दिया था, जिससे वो वेयरवुल्फ बन गई थी। एंजेलिक अपने सारे क्राइम्स कन्फेस करती बताती है कि उसने ही बार्नबास के पेरेंट्स और फियांसे को मारा था, साथ ही उसी ने बिजनेस को भी तबाह किया था और उसी ने डेविड की मदर को भी मारा था, और साथ ही ये भी मानती है कि उसने बार्नबास के फियांसे की तरह विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज करके सुसाइड करने भेजा है। इसके बाद एंजेलिक बार्नबास को स्टैचू बनाकर उसके पास आने लगती है कि वहाँ डेविड आता है और उसे वार्न करता है, जिस पर एंजेलिक उसे मॉक कर रही होती है कि डेविड की मदर की स्पिरिट एंजेलिक पर जोर से चीखती है, जिसके इम्पैक्ट से शैंडेलियर गिर जाता है और एंजेलिक दूर जाकर गिरती है। वो शदीद जख्मी हुए बार्नबास को अपने पास बुलाती है और अपने लव का यकीन दिलाती उसे अपना हार्ट देकर मर जाती है। बार्नबास उसे छोड़कर विक्टोरिया के पास लिफ्ट पर जाता है तो विक्टोरिया उसे समझाती है कि वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए वो क्लिफ से जंप कर देती है। बार्नबास उसके पीछे जाता है और उसे बचाने के लिए उसे बाइट करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो मर गई है, और तभी विक्टोरिया जागती है और उसे अपना नाम जॉसेट बताती है। उधर ही रिवर में जूलिया की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिसके आंखें खोलने पर मूवी एंड हो जाती है।